फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि जो भी लगातार जानकारी हो वो आप सभी लोगों तक पहुँचती रहे। स्टूडेंट एडमिशन को लेकर काफ़ी बच्चों के डाउट्स थे, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सोल्व करूँगी। उसके साथ साथ एडमिशन से रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ न्यू कॉलेजेस जो ऐड हुए हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले। स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे हरियाणा के रिसेंटली ANM GNM एंड MPSW नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज TMER के ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स आए एंड ऑलमोस्ट कमेंट्स मैंने जो है आप लोगों को रिप्लाई में बता दिया था, उनके सभी के सभी जवाब मैंने दे दिए थे। बाकी फिर भी कुछ डाउट्स थे जो कि नहीं थे एंड उसके साथ साथ ऑफिशियल वेबसाइट पे न्यू कॉलेजेस को ऐड कर दिया गया। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हरियाणा की गवर्नमेंट एंड प्राइवेट MPSW ANM GNM कॉलेजेस कौन से हैं, कितने हैं। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, 90+ कॉलेजेस हरियाणा में अवेलेबल हैं एडमिशन के लिए। ANM GNM एंड MPSW के लिए बिल्कुल भी स्कोप नहीं कम है, तो आप लोगों को इसके लिए मैक्सिमम से भी ज़्यादा एक अलर्ट रहना है, ताकि सभी की सभी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो है ऑन कर देना है, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती रहूं आप लोगों को जानकारी मिलती रहे। तो वो कॉलेजेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जो सबसे पहला जो डाउट था कि हमें फॉर्म को कैसे फिल करना है एंड उसके साथ ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, तो सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी वो DMER की ही रहने वाली है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा। DMER जो रहता है दैट इज अथॉरिटी जो एडमिशन कंडक्ट करवाता है हरियाणा में किसी भी कोर्स में हो, एंड यहां से ही आप लोग ये बोल सकते हैं कि यहीं से स्टार्ट किया जाता है सभी कुछ। एंड देन हम लोग मेन वेबसाइट के बारे में बात करें, दैट इज DMER इज एन कॉमन वेबसाइट। वहाँ पर BSc नर्सिंग या फिर अदर कोई कोर्स GNM ANM MBBS किसी का एडमिशन पूरी तरह नहीं करवाया जा सकता, वहाँ पर सिर्फ एक नोटिस रिलीज किया जा सकता है, लिंक प्रोवाइड किया जा सकता है। तो कौन सी है वो ऑफिशियल वेबसाइट, तो मैंने आई थिंक आप लोगों को पहले एक वीडियो में बताया था कि इसके लिए अलग से एक वेबसाइट होती है जो हरियाणा की स्पेशली वेबसाइट है ANM GNM एंड MPSW एडमिशन के लिए, तो वो वेबसाइट में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों को इसको नोट कर लेना है, बिकॉज मे बी दिस हैपन कि आप लोगों को ये याद ना रहे। तो ऑफिशियल वेबसाइट इज दैट इज हरियाणा नर्सिंग एडमिशन .com एंड यहाँ पर हरियाणा में सिर्फ HRY एंड नर्सिंग में सिर्फ NSG है। अगर मैं आप लोगों को पूरी वेबसाइट बताऊँ, दैट इज HRY NSG admission.com हरियाणा नर्सिंग admission.com वेबसाइट रहने वाली है हरियाणा में ANM GNM एंड MPSW के लिए, हर साल यही रहती है। अगर इस वेबसाइट में कुछ मॉडिफिकेशन होता है, न्यू वेबसाइट अगर लॉन्च की जाती है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी। बाकी बात कर लेते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म को कैसे भरना है, दैट इज आल्सो ए वेरी क्रूशियल पार्ट। तो फॉर्म को भरने के लिए या फिर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताई है, हरियाणा नर्सिंग admission.com पे भी आप लोग जा सकते हैं वहां से भी। अदरवाइज मैंने आप लोगों को एक वीडियो में DMER पे दिखाया था लिंक, जो कि अवेलेबल हो चुका है DMER की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वो लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, इस वजह से मैंने आप सभी को जो है उसका लिंक प्रोवाइड नहीं किया है। बाकी मैंने किया भी था प्रोवाइड, दैट इज आप लोगों से वो ओपन नहीं हो रहा है, इससे रिलेटेड काफ़ी डाउट्स आ रहे। तो उसका इशू यही है कि वो ओपन इस वजह से नहीं हो रहा बिकॉज एक्टिवेट नहीं हुआ है, लास्ट एंड फर्स्ट डेट नहीं आई। बाकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ चुकी है, एडमिशन से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया कि एडमिशन जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये सभी के सभी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को क्लियर होंगी प्रीवियस वीडियो से ही। अभी हम लोग बात कर लेते हैं जो न्यू कॉलेज ऐड किए गए हैं ANM GNM एंड MPSW के लिए। लोग देख सकते हैं ये जो कॉलेजेस हैं ये सिर्फ ANM GNM एंड MPSW के लिए अवेलेबल है। इवन दो सिर्फ ANM GNM के लिए अवेलेबल है, MPSW के लिए भी मैं आप लोगों को अलग से दिखाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये टोटल ऑलमोस्ट नंबर ऑफ जो कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ANM GNM एंड MPSW के भी काफ़ी ज़्यादा आप लोग बोल सकते हैं हरियाणा
में स्कोप है। फॉर्म यहाँ पर रिलीज़ किए जाते हैं हर साल एंड एडमिशन जो है हर साल लिया जाता है। तो अगर आप लोग इससे रिलेटेड फर्दर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट 80 कॉलेजेस को इन्होंने प्रेजेंट किया है DMER की ऑफिशियल वेबसाइट पर, एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंड प्राइवेट कॉलेजेस भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जो MPSW के गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग देख सकते हैं, गवर्नमेंट MPSW फीमेल ट्रेनिंग स्कूल, एंड उसके साथ साथ गवर्नमेंट MPSW ट्रेनिंग स्कूल भिवानी, अम्बाला में एक, फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, मेवात, सिरसा। तो ऑलमोस्ट ऐसे जो रहेंगे MPSW प्लस अगर मैं बात करूँ ANM, तो ऐसे 10 कॉलेजेस हैं हरियाणा में जो सिर्फ ANM एंड MPSW गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो ये आप लोग मान के चल सकते हैं। बात करें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं GNM के लिए, तो टोटल कॉलेजेस मैंने आप लोगों को बता दिए कितने हैं। अभी मैं गवर्नमेंट GNM कॉलेजेस के बारे में बात करें तो ये ऑलमोस्ट हैं आप लोग देख सकते हैं 5। सबसे पहला गवर्नमेंट GNM ट्रेनिंग स्कूल भिवानी, एंड नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग हिसार, एंड नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग करनाल, एंड नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदो, एंड नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग करनाल। तो ये आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5 कॉलेजेस हैं GNM के लिए जो कि गवर्नमेंट हैं एंड अवेलेबल हैं। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया जो कॉलेजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी थी ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके साथ साथ कैसे अप्लाई करना, ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी। आई थिंक आप लोगों को जो भी चीज़ें हैं वो समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।